What's up guys, Sanjot Kir here. Welcome to IFL. Let's make some delicious New York style eggless cheesecake. बहुत ही रिक्वेस्ट की गई रेसिपी है और चीज़केक मेरी बहुत ही फेवरेट डिज़र्ट रेसिपी है और मैं यूजुअली घर पे ये अंडों के साथ बनाता हूँ, पर स्पेशली मैंने आपके लिए एक एगलेस रेसिपी तैयार की है जिससे आप एकदम रिच, क्रीमी और डिलिशियस चीज़केक अपने घर पे बना पाओगे एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें मैंने मेरा होममेड क्रीम चीज़ यूज़ किया है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग बनती है। लेट्स डू दिस। चीज़केक का बेस तैयार हो गया है और इसे अभी हमें ठंडा कर लेना है। चीज़केक का जो बेस है उसे बेक करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप इसमें बैटर ऐड करेंगे, और कई बार क्या होता है बेक करते समय बेस ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाता है, इसके पीसेस जो हैं ऊपर आ जाते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए आप बेस को ज़रूर बेक कीजिए, आपका बेस अच्छे से सेट हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपके साथ एक टिप शेयर की है, जो आप स्प्रिंग फोम मोल्ड यूज़ करेंगे उसका जो बेस होता है उसमें एक थोड़ी सी डेप्थ होती है और उसकी वजह से चीज़केक को अनमोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसे उल्टा करके आप यूज़ कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपको एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा और आप जब भी चीज़केक को अनमोल्ड करेंगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये टिप बहुत काम आती है, छोटी सी टिप है पर आपको बहुत हेल्प करेगी, तो ज़रूर फॉलो करना इसे। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें चीज़केक का बैटर तैयार करना है। उससे पहले आई वांट टू थैंक स्किलशेयर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। स्किलशेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी फॉर लिटरली एनीवन हु लव्स लर्निंग और वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू स्किल्स। नॉट ओनली यू कैन लर्न मोर अबाउट कल्नरी स्किल्स, यू कैन ऑल्सो डाइव इन टू एनीथिंग फ्रॉम लर्निंग फोटोग्राफी टू फैशन डिजाइनिंग टू स्टार्टिंग आउट योर जर्नी एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। स्किलशेयर कवर्स इट ऑल। The whole platform is all about learning, and the best part is that there are literally no ads in it, and the fun part is you can learn from any corner of this world. You can check out Skillshare for classes on various cooking styles and cuisines to like kitchen confidence. Currently I'm super obsessed about exploring interior designing, and this class by Emily Henderson is just incredible. I have learned a lot from her classes and I have got so many ideas while I was designing my studio, and I keep learning so that I can do so much more. What's more is that Skillshare's annual subscription is less than 2400 rupees, which is less than 200 a month. आजकल एक बार बाहर से खाना मंगाने में ही 200 से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। सिर्फ 200 रुपये इन्वेस्ट करके आप घर बैठे बैठे इतना कुछ सीख सकते हैं। एंड आई हैव सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, द फर्स्ट 1000 पीपल हु क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट नाउ विल गेट अ 1 month Skillshare सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। देयर इज अ होल न्यू वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू आउट देयर, सो एक्सप्लोर Skillshare एंड गेट लॉस्ट इन क्रिएटिविटी। आई हाईली रिकमेंड इट। नाउ लेट्स मेक द बैटर फॉर आवर चीज़केक।
तो चीज़ केक बेक होके तैयार हो गया है, और इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि 2-3 मिनट निकालने के बाद आपको इसमें एक नाइफ चला देनी है और वॉल से केक को सेपरेट कर लेना है। एकदम पतली सी नाइफ लीजिए और बस चला दीजिए। इससे क्या होता है, चीज़ केक जो है वो हमेशा थोड़ी सी एयर छोड़कर डिफ्लेट हो जाता है। तो जब भी वो डिफ्लेट होता है, थोड़ा नीचे की तरफ उसकी हाइट कम हो जाती है, तब अगर वो वॉल्स को चिपका हुआ है तो बीच में से डिफ्लेट हो जाता है और साइड्स में से ऐसे उसकी हाइट ऊपर रह जाती है। तो आप जब भी चीज़ केक को डीमोल्ड करोगे तो आपको एक ऐसे बीच में से सिंक हो जाएगा आपका चीज़ केक, तो वो अवॉइड हो जाता है ये करने से। दूसरी बात, जब भी आप बेक करेंगे तभी पानी ज़रूर डालिए बेकिंग ट्रे में, वो स्टीम क्रिएट होनी चाहिए ओवन के अंदर। अगर स्टीम नहीं क्रिएट होएगी, पानी नहीं डालोगे, तो आपका चीज़ केक अच्छे से बेक नहीं होगा। तो ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी चीज़ केक को कम से कम आधे पौने घंटे के लिए आप बाहर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे के लिए, और उसी के बाद आप सर्व कर सकते हो। हम वो सारा प्रोसेस करके चीज़ केक को सर्व कर लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट क्रीमी और डिलिशियस चीज़ केक बनाया है, एगलेस वाला, वो भी आप ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी घर पे। आई एम श्योर यू विल बी माइंड ब्लोन विद द रिजल्ट्स। अगर आप एगिटेरियन हैं और एग्स प्रेफर करते हैं अपने केक्स में डालना, तो यही सेम रेसिपी को आप एक एग रेसिपी भी बना सकते हो। आपको क्या करना है कि कंडेंस्ड मिल्क पूरा निकाल देना है। कंडेंस्ड मिल्क जब आप निकालोगे तो थोड़ी मिठास भी निकल जाएगी, तो आपको जो शुगर है वो 1/2 कप की जगह 1 कप यूज़ करनी है, डबल क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो पहला डिफरेंस जो होगा आपकी रेसिपी में, शुगर क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो आप पहले जब भी क्रीम चीज़ में शुगर क्रीम करेंगे तभी 1/2 कप की जगह 1 कप शुगर डालेंगे। तो ये बात आपने नोट कर ली। दूसरी बात, कंडेंस्ड मिल्क निकाल कर बाकी सारा प्रोसेस आप एग्जैक्टली सेम कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में इसमें एक एक करके 4 अंडे डालेंगे, होल एग्स। तो आपने एक अंडा डाला, इसको मिक्स कर लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे मिक्स करना है। ये बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आप बिना अंडे वाला या अंडे वाला दोनों चीज़ केक अगर बना रहे हैं तो इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। ओवर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाता है, ज़्यादा राइज होता है चीज़ केक, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, एयरी हो जाता है, और वो थोड़ी डेंस वाली फीलिंग नहीं आती है, क्रीमी उतना नहीं बनेगा। तो वो चीज़ का ध्यान देना, ओवर मिक्स दोनों तरीक़ों से मत करना। तो मैंने आपको अंडे वाला वर्जन भी बता दिया है, इसके ऊपर आप कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने आज थोड़ा सा बेरी कॉम्पोट और बेरीज साथ में सर्व किए हैं। आप जैम डाल सकते हो, मैंगो प्योरे डाल सकते हो, बेरी कॉम्पोट्स डाल सकते हो, आपके ऊपर है, ब्लूबेरी कॉम्पोट डाल सकते हो, एंडलेस ऑप्शंस हैं आपके पास इसको सर्व करने के लिए। साथ में थोड़ी सी फ्रेंच वनीला आइसक्रीम डालिए, बहुत अमेजिंग लगता है कॉम्बिनेशन। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर, और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस बेक्ड चीज़ केक रेसिपी एट होम। चीयर्स।